नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना के एहतियाती टीके के लिए शनिवार से आवेदन शुरू हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि जो लोग कोविड 19 वैक्सीन की बूस्टर डोज या एहतियाती खुराक लगवाना चाहते हैं, उन्हें कोविन पोर्टल पर नए सिरे से या यूं कहें कि नया पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में खूब सियासत हो रही है। चुनावी समर में भाजपा और कांग्रेस इस मामले में भिड़े हुए हैं। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रात को एक ट्वीट के जरिए इस मामले को और हवा दे दी है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन ट्वीट कर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज शुरू होने से पहले जहां एक ओर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आम आदमी पार्टी तक लोगों को बिजली के बिल में राहत देने की बात कही जा रही है, मगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कल से ही बिजली के दामों में 50% की कटौती करने की घोषणा कर दी है। जहां सरकार की इस घोषणा के बाद आम आदमी खुश नजर आ रहे, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सरकार के इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए। चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने बिजली के दाम नहीं घटाए हैं बल्कि छूट दी है। यह छूट कितने दिन रहेगी इसका कोई पता नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के सेकेंड परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के राष्ट्रीय संकल्पों को मजबूत करते हुए आज हमने एक कदम बढ़ाया है। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये दूसरा कैंपस पश्चिम बंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। देश भर में एक बार फिर से कोरोना महामारी की लहर वापस आ गई है। बीते 24 घंटे में विभिन्न राज्यों में संक्रमण के 1,00,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकोप का असर आम जनजीवन पर तेजी से पड़ रहा है और इससे देश भर के स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान भी अछूते नहीं है। संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए देश के कई राज्यों ने स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया है। बिहार में बादलों की लुका छुपी के साथ ही बारिश के आसार बने हुए हैं। पछुआ हवा का प्रवाह भी बना हुआ है। प्रदेश के दक्षिण और झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास प्रति चक्रवात का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पटना का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को पटना और इसके आसपास क्षेत्रों में धूप निकलने के बाद लोगों को ठंड से राहत मिली। भारत में कोविड 19 से पिछले साल सितंबर तक करीब 32,00,000 लोगों की जान चली गई थी, जो आधिकारिक रूप से दर्ज आंकड़ों से 6-7 गुना अधिक है। न्यूज नेशन की तरफ से एक स्वतंत्र और 2 सरकारी डेटा स्रोतों पर आधारित एक अध्ययन में ये दावा किया गया है। कोहरे के कारण ट्रेनों की लेट लतीफी और कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। दरअसल शुक्रवार को रेलवे ने 306 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जबकि 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इस बीच रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन का संचालन करने का फैसला किया है। पंजाब के फिरोजपुर जाते वक्त पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर राजनीति जारी है। भाजपा जहां पंजाब की कांग्रेस सरकार पर साजिश का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह पूरा भाजपा का ड्रामा था। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट कर भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। वीडियो ट्वीट कर दिग्विजय ने कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, भांडाफोड़। प्रधानमंत्री मोदी के करीब फ्लाईओवर पर भाजपा के कार्यकर्ता थे। सवाल ये है कि वो एकाएक कैसे पहुंचे। गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पंजीकरण पुनः बहाल कर दिया है। बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी को मदर टेरेसा ने स्थापित किया है, जो भारत में कल्याणकारी कार्यों में शामिल है, लेकिन इस पर धर्मांतरण के आरोप भी लगते रहे हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन पहले रिन्यू नहीं किया गया था, क्योंकि इसके विरुद्ध कुछ प्रतिकूल इनपुट देखे गए थे। देश में कोरोना विस्फोट हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को पूरे देश में कोरोना के 1,17,100 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 7.74% हो गई है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 3,71,363 हो गए हैं। इन तमाम आशंकाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो हर हाल में यह सुनिश्चित करें कि इस बार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। संघ लोक सेवा आयोग के तहत नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर 187 पदों पर होने वाली भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट कमिश्नर, जूनियर टाइम स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पदों के लिए यहां नौकरियां निकाली गई हैं। अप्लाई करने से पहले उम्मीदवार upsconline.nic.in/ora/vacancy पर क्लिक करके इस जॉब से जुड़ी अहम जानकारी हासिल कर सकते हैं। दिल्ली में कोविड 19 और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा पहले से घोषित वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से जारी है। शनिवार और रविवार को अगर किसी ने नियम तोड़े तो ₹2,000 जुर्माना देना होगा। मामला गंभीर हुआ महामारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया जाएगा और जेल जाने तक की नौबत आ सकती है।
देश में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर तेजी से पसारता जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी हालत एक बार फिर चिंताजनक होते दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अहम जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आपको हेल्थ सिम्टम्स हैं तो 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रहे, फिर अगर दिन में बुखार नहीं आता तो आप 7 दिन बाद होम आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं। जाने माने सिंगर विशाल ददलानी के पिता मोती ददलानी का कोरोना की वजह से निधन हो गया। बता दें कि विशाल के पिता कोरोना संक्रमित थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच उनकी हालत काफी खराब हो गई। उन्होंने 79 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा है। फैंस के साथ सेलेब्स ने भी विशाल के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इन दिनों बॉलीवुड से लेकर साउथ और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सेलेब्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोविड के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आने से तीसरी लहर के संकेत मिलने लगे हैं। शुक्रवार को 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने से टेंशन और बढ़ गई है। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आशंका से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से गरीबी की गठरी सिर पर लादकर अपने गांव लौटने को मजबूर हो गए हैं। उत्तर भारत के राज्यों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से हो रही बारिश के बाद दिल्ली NCR का तापमान नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने यहां के येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 घंटे तक यहां पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भी भर गया है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक कई सरकारी नौकरियों के लिए बंपर भर्ती आ रही है। यूपी के अब पुलिस भर्ती बोर्ड ने कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस बाबत बोर्ड की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हालांकि अभी तक परीक्षा कराने के लिए कंपनियों से टेंडर प्रपोजल मांगे गए हैं। भारत में अब विदेश से आने वाले हर यात्री के लिए 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना अनिवार्य हो गया है। साथ ही क्वारंटीन के 8वें दिन विदेशी यात्रियों को RT-PCR जांच कराना भी जरूरी है। शुक्रवार को जारी दिशा निर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होंगे और अगले सरकारी आदेश तक प्रभावी रहेंगे। मौजूदा नियमों के मुताबिक जिन्हें संशोधित दिशा निर्देश में बरकरार रखा गया है, जोखिम वाले देशों के रूप में सूचीबद्ध किए गए देशों से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद कोविड जांच के लिए अपने नमूने देने होंगे और उन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकलने या गंतव्य के लिए अगली उड़ान में सवार होने के लिए जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायो स्टेटिस्टिक्स की प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी के ओमिक्रॉन की लहर को देखते हुए एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि जिन लोगों को कोरोना की एक डोज लग चुकी है उनमें 50% लोगों के संक्रमित होने की संभावना है। वो कहती हैं कि अगर हम दक्षिण अफ्रीका की गंभीरता के आधार पर कहें तो कोरोना की दूसरी लहर में जितने लोगों की मौत हुई थी उसके 40% मौत की आशंका ओमिक्रॉन से है। वहीं पिछले 2 सालों से भारत में कोविड-19 महामारी को देखें तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से लहर में बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में एक नई स्टडी में कहा गया है कि भारत में जनवरी के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ सकता है। जी हां, और ये स्टडी भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु की टीम ने की है। आप सभी को बता दें कि इस स्टडी के मुताबिक मार्च की शुरुआत से मार्च के अंत तक कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि रोजाना आ रहे कोविड संक्रमण के मामलों का ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगेगा। कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो एक ट्रे से पेस्ट्री उठाती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने पेस्ट्री को न सिर्फ उठाया बल्कि अपने मुंह के पास तक ले आई और खाने के लिए मुंह भी खोला, लेकिन फिर पोज देने के बाद वापस पेस्ट्री को ट्रे में रख दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही एक्ट्रेस को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उनकी इस गलती पर उन्हें जमकर खड़ी खोटी सुना रहे हैं। गुस्साए यूजर ने कहा है कि कोविड-19 बढ़ाने के लिए शुक्रिया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली बिल में मिलने वाली 3% की छूट में बिजली कंपनी ने आंशिक बदलाव किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिल पर सभी उपभोक्ताओं को 2% छूट मिलेगी, लेकिन उनको 1% अतिरिक्त छूट तभी मिलेगी जब वो ऑनलाइन रिचार्ज कराएंगे। रिचार्ज कूपन लेने पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली 1% की अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। इस बाबत बिहार विद्युत विनियामक आयोग को एक प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक बेस इफेक्ट और 9.2% के GDP ग्रोथ के अनुमान के चलते वित्त वर्ष 2022 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.7% की डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बता दें कि पिछले साल इस सेक्टर में 8.6% का संकुचन देखने को मिला था। मिनिस्ट्री का अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में कोरोना वायरस के नए संक्रमण से जुड़ी चिंताओं के बीच GDP ग्रोथ 9.2% रह सकती है। श्रीलंका जल्द ही भारत से कर्ज ले सकता है। श्रीलंका की सरकार भारत से 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ईंधन कर्ज सहायता लेने पर विचार कर रहा है। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने शुक्रवार को कहा है कि दोनों देशों के बीच तेल टैंक सौदे पर हस्ताक्षर के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ने के बीच पड़ोसी देश भारत से कर्ज सहायता हासिल करने की संभावनाएं तलाश रहा है। बताया जा रहा है कि देश में इस वक्त ईंधन का संकट है, वहीं देश में महंगाई काफी बढ़ गई है जिसका भी आम लोगों पर बुरा असर पड़ा है।
मॉस्को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के नेताओं के साथ गुरुवार और शुक्रवार को कजाकिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापरोव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन और अर्मेनिया प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान के साथ फोन पर बात की। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि नाटो रूस के साथ वास्तविक चर्चा के लिए खुला है। स्टोल्टेनबर्ग ने शुक्रवार को नाटो के विदेश मंत्रियों की एक असाधारण बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चर्चा यूक्रेन के पास रूस के सैन्य निर्माण और यूरोपीय सुरक्षा के निहितार्थ पर केंद्रित थी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह का निधन हो गया है। लालू यादव की सरकार में साल 1991 से 1995 तक मंत्री रहे प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह का निधन आज सुबह हुआ। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र से 1980 से 1995 तक लगातार विधायक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले प्रोफेसर नलिनी रंजन सिंह ने आज सुबह अंतिम सांस ली है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर पुल बनाने के संबंध में चीन ने सफाई दी है। चीन का कहना है कि अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। भारत ने कहा है कि पेंगोंग झील पर चीन जहां पुल बना रहा है वहीं क्षेत्र पिछले करीब 60 साल से चीन के अवैध नियंत्रण में है। उसने कभी ऐसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि पेंगोंग झील पर चीन के पुल बनाने से जुड़ी खबरों के संबंध में सरकार गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही है। मोदी सरकार ने स्कीम टीबी से ग्रसित लोगों के लिए निकषीय पोषण योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत टीबी से पीड़ित लोगों को मोदी सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जाएगी। खासकर यह योजना देश में ऐसे गरीब लोगों के लिए है जिन पर टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए तो दूर चिकित्सा द्वारा बताए गए परहेज के भी पैसे नहीं होते, जिसके तहत ऐसे लोग गंभीर बीमारी से जूझते रहते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, तजोद्दीन सोफीनाज, रघुनाथ प्रसाद, दिवाकर सिंह, नुन्नू कुमार, मुकेश कुमार, गौरव कुमार, पंकज कुमार, मोहम्मद आलम रजा, राहुल सिंह, इंडियन सोनिया, विनोद कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाए जाने का फैसला चुनाव आयोग का सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।